किसी की परफॉर्मेंस नहीं है, ये एज अ टीम हम जीते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ छोड़नी नहीं है किसी भी टाइम पे। अभी स्टार्ट है, मैंने भाई भी कहा था अभी स्टार्ट है, इंजॉय करो, लेकिन एक्साइटेड ओवर एक्साइटेड नहीं होना कि हम सिर्फ कल का दिन इंजॉय करते रहे। आगे अभी हमारे काफ़ी मैच है, हमने आगे फोकस करना है। ये गुजर गया, सब इंजॉय करेंगे, मिलके करेंगे, लेकिन फोकस हमारा एक है, वो क्या है, वर्ल्ड कप जीतना। तो किसी भी टाइम हम रिलैक्स नहीं होंगे। जिसके हाथ में बॉलिंग आए, जिसकी फील्डिंग आए, जो बैटिंग करे 100% दे। तो एज अ टीम हम आज जीते हैं, तो हम इंजॉय करेंगे यहां तक। बाहर जाके हम फैमिली के साथ इंजॉय करेंगे, लेकिन ओवर एक्साइटेड ना होना प्लीज। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम परसों वाले मैच में घूमे वो ना करना प्लीज, क्योंकि ये हमारी आदत है, ये चेंज करनी है हमने। और ये हम जब जल्दी, मुझे नजर आ रहा सब में नजर आ रहा कि आज तक से ये चेंज होगी इंशाल्लाह, और ये हम लोग ही करेंगे और कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वेरी वेल डन। दूसरा ये कि जितने भी प्लेइंग लेवल थे, आप सब पे गुजारिश है कि जितने भी जो बाहर लड़के थे उनके लिए आप थोड़ा सा ताली लगाते। अच्छा तो कर लिया, खबर भी आ जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, क्या रह गया वो आप तुम खुद लोगों ने बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में एज ए यूनिट जो रह गया है उसको थोड़ा सा सोच लेना। जो रह गया, जो अच्छा किया है उसको प्रिजर्व कर लेना, उसको अपने पास रख लेना कि ये अच्छा किया हमने, जो रह गया वो कैसे ऐड हो। क्योंकि जब आगे चलते चले जाओगे, जो तुम्हारा रह गया हुआ है उसके ऊपर दुनिया की नज़र है, और जो तुमने अच्छा किया हुआ है उसका वो तोड़ लेके आएंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो थोड़ी सी बात की है इसको थोड़ा सा आप सोचिएगा।